Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ भैसुमा क्षेत्र के नागरिकों ने आज मेरठ SSP कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि रामराव चौकी की पुलिस मनीराम जाटव को बिना वजह उठाकर ले गई और उसकी चौकी लाकर पिटाई की। पीड़ित मनीराम जाटव ने यह आरोप भी लगाया कि जिस वक्त उसे उठाया गया उसके पास 5-6 हजार रुपये भी थे, जो आरोपी पुलिसकर्मियों करतार सिंह आदि ने झपट लिए। रामराज चौकी को सस्पेंड कराने की मांग करते हुए ये सभी अंबेडकर प्रतिमा से जुलूस के रूप में SSP ऑफिस पहुंचे थे। SP देहात अनिरुद्ध सिंह ने इस प्रकरण की जांच पवाना CO को सौंप दी है। SP देहात का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, पीछे कमर पे देखो, ये चमक रही थी, यहां भी मारे दो यहां भी मारे, मैं पीछे हटो, हाथ हटा ले, मैं दिखा दे, ये देखिए निशान, ये देखिए कितना मारा है इनको, और घूम जी, घूमना बस बस, भी तो नहीं बताई जो बता दे, तो बंद करो, 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 इस मौके पर मनीराम जाटव ने मीडिया को यह जानकारी दी। मनीराम है जी, मनीराम जी क्या हुआ आपके साथ, कौन थे वो लोग मेरे आपको पुलिस वाले थे जी, रामराज चौकी गए, तो उन्होंने आके मेरे उस पर दीवार मतलब जो बाउंड्री है उस पर कुछ दे दो एक तो, और दो अंदर कर चले गए उन्होंने, हाँ जी फेमिजा जी, उन्होंने अंदर के वो खड़खड़ाए डंडे उस पर, फिर मैं जी उठ गया जी, उठ के आया आके उन्होंने मैं जब मतलब ये पूछा क्या नाम है तेरा, मगर जी मनीराम नाम है मेरा, चल तो चल थाने चल, मैं क्यों जी बात तो बताओ, तो मैं केला बेचा, मैं केला ही था जी, घेर पर सो रहा था मैं, तो मुझे धक्का मुक्की करके ले गए जी, ले जाके स्विफ्ट गाड़ी थी जी उसमें लेके चौकी पे जाके मेरी उन्होंने मारपीट करी मेरे साथ करके जी, वहाँ मेरे 5-4 हजार रुपये देखा था मेरे ना, वे भी उन्होंने खसोट लिए जी। क्या रंजिश क्या है? कुछ भी नहीं, मेरे पहली बार जिंदगी में पहली बार हुआ जी ऐसा, मेरे साथ अब से पहले कोई वो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं मैं कह रहा भाई क्या बात है, मैंने डंडा पकड़ा तो डंडा नुका डंडे से हाथ अलग हड़ा, तो इसमें मारे ये चूतड़ों पे भी है, यहाँ भी है जी, और कमर पे है जी। आपकी पिटाई करी? हाँ जी, फिर मैंने कहा मगर जी मुझे छोड़ जाओ सर, मैं बोल रहा मगर जी मुझे छोड़ जाओ, मगर आप छोड़ दो, बारिश पड़ रही थी जी, तो बोले नुका आप छोड़ के भी आओगे, मैं जी कमली ले रहा था अपनी, मैं उसे ओढ़ गया और अपना आ गया, हाँ जी घर पहुँचा जी मैं। तो अभी मिले हैं पुलिस से क्या रहा? हाँ जी हाँ, इनसे मिले जी, उन्होंने आश्वासन दे दिया जी कि 2 दिन में हम तुम्हारी वो करेंगे कार्रवाई। वहीं SP देहात अनिरुद्ध सिंह ने यह बताया। सर रामराज से कुछ लोग आए थे, उनके आरोप है, क्या आरोप है, क्या है पूरा मामला? थाना भरसुमा में रामराज चौकी में क्षेत्र में जो मनीराम जाटव है उन्होंने एक शिकायत दी है कि चौकी से कुछ लोग गए थे और उनको अनावश्यक रूप से उठाकर लेकर आ गए थे और चौकी पर उनके साथ सख्ती से पूछताछ की। इस संदर्भ में इनके द्वारा मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जांच करके और इसमें जो भी दोषी अगर होंगे तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें CO मवाना से जांच करवाई जा रही है। पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी बॉडी के कुछ निशान दिखाए हैं, क्या गंभीर प्रकरण है, कुछ इसमें विभागीय जाँच या कोई अपनी? बिल्कुल, जांच अग्रसारित कर दी गई है, CO मवाना के लिए जांच अग्रसारित कर दी गई है, उनके द्वारा जांच की जाएगी और उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।